Hi everyone, good morning. It's like 3 in the morning और मैं हूँ किचन में. ये है मेरी मेहंदी. तो आज है मेरा पहला करवा चौथ शादी के बाद, जो मैं एक्चुअली लाइफ में पहली बार करवा चौथ रखने वाली हूँ. मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है पूरा दिन खाए पिए बिना रहना, बट लेट्स सी, इट्स गोना बी अ गुड एक्सपीरियंस. अभी 3 बजे हैं और मैं थोड़ा अपना प्रिपरेशन कर रही हूँ सरगी के लिए. तो हमारे यहाँ पे सरगी खाई जाती है सुबह सुबह, मतलब इसी टाइम के 3 से 4 के बीच में. उसमें हम मिठाई खाते हैं, चाय पी सकते हैं और भी जो हमारी इच्छा हो अच्छा कुछ खा सकते हैं, थोड़ा सा जो पूरे दिन के लिए काम आता है जब तक हमारे चंदा मामा नहीं निकल आते. अभी तो फ़िलहाल चाय बना रही हूँ. उसके बाद मैं अपने लिए कुछ दूध की फेनियाँ या सेवियाँ जो कहते हैं ना, वो बनाने वाली हूँ. फिर आई विल शो यू क्या कि मैं क्या क्या खाने वाली हूँ. ओके, तो मैं सरगी की थाली इज़ रेडी, जिसमें मैंने ये मावा बर्फ़ी रखी है, काजू की बर्फ़ी है और ये भी मैंने बनाया है दूध में सेवियाँ डाल के. सिंपल पराठा, कोई इसमें फिलिंग नहीं है और थोड़ी सी चाय, दैट्स ऑल फॉर द डे. अक्षित लव शीशा दो, मेरी हैंड राइटिंग बहुत बुरी है पर आई ट्राइड, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है. 4 बजे हैं और अभी मैं बस अपना हमारा मंदिर डेकोरेट करने वाली हूँ. डेकोरेट तो नहीं, इसकी सफाई करने वाली हूँ और जो भी चीज़ें पूजा के लिए यूज़ होंगी यहाँ पे वो सब रखने वाली हूँ. तो दिखाती हूँ क्या क्या करने वाली हूँ. मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है तो मैं अभी पहली बार देखने वाली हूँ एक्चुअली कि अभी होगा क्या. लेट्स सी, चलो पहले इसकी सफाई कर दूं थोड़ा सा. Thank you.
Hi everybody, so I'm almost ready for my first cover shot. मैंने ये लुक दिया है आज, थोड़ा साउथ इंडियन टाइप का. अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम आपको दिखाएंगे पूरा लुक. ओके
राक्षस को बड़ी कड़े वो ले पड़ गया और पूरे नगर में बुलावा दे तो बोले काय को बेटा मजाक कर रहे जरा सदगु देखो लड़ में और नेक सरैया में चावल बोले नहीं तुम दे तो आओ। तो जैसे ही बुलावा दे आई बड़ा कढ़ाव ले आई पूरे नगर में बुलावा दे आई और जैसे ही उसमें दूध उन्होंने कुल्लड़ से डांगना शुरू किया दूध बंद ही ना हो पूरा मतलब कढ़ाव भर गया तो पूरा नगर मतलब पूरा गांव सब खा गए। अब थोड़ी सी बची तो बुढ़िया का बेटा बाहर रहता था तो उसने कहा कि ला थोड़ी सी खीरे घोने में भर के और अपनी देरी के नीचे गाड़ी आई सब खा खा के चले गए। बेटा उस शाम को आया तो बेटा बोला कि माँ बहुत जोर से भूखा हूँ। चीची तुम क्यों एंट्री दे रही हो अपनी चलो 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 तुम्हारा कौन सा प्रोसेस है तुमने भी रखा है। गरीब थी गरीब जी की किसी ने सुनी नहीं थी तो भगवान ने मिले जमा सब भरे हुए। तो जैसे गरीब जी ने उनको दिया वैसे सबको देना बोलो करवा चौथ माता की जय। छोटू मेरा चश्मा इसमें काम करेगा ये नहीं कर रहा कार्तिक बदी चौथ को कहाँ चश्मा ऊपर रखा लाल कलर का दीपक दिखाकर बैल का चंद्रमा निकल आया तो चंद्रमा समझ कर दुख छोड़ लो चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी पहले कोर में बाल निकला दूसरे कोर में छींक हुई तीसरे कोर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा हुआ संयोग से वही इंद्राणी आई वीरा तो इस चंद्रमा को अर्घ दे दिया था ये सब उसी के फल से हुआ था। तुम बारह माँ के चौथ के व्रत को करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधिपूर्वक करो तब तुम्हारा पति पुनः जीवित होगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधिपूर्वक बारह माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सदृश जीवित हो उठा। बोलो करवा चौथ व्रत कथा की जय। तो हमारी करवा चौथ की पूजा हो चुकी है और अभी बस इंतज़ार कर रहे हैं चांद के निकलने का। 8:30 तो हो चुके ऑलरेडी यार जल्दी निकल जाए। सही में डेली 6 बजे का निकला होता था चांद और आज देखो चलो एनीवेज अब जहाँ इतना बड़ा पहाड़ पार कर लिया अब तो थोड़ा सही समय बचा है। एनीवेज मेरे कमरे में एक गिफ्ट बॉक्स पड़ा है हैवी है सो ये मुझे लगता है अक्षत लाए हैं मेरे लिए। अभी मैंने खोल के नहीं देखा और रूम बहुत मैसी हो रहा है सॉरी फॉर दैट। अभी मैंने खोल के नहीं देखा है। अपनी खाने की थाली मैं ऊपर लेके जा रही हूँ छत पे क्योंकि वहीं पे हम ये खाएंगे चांद को देख के पति को देख के उसके बाद मैं गिफ्ट खोलने आऊँगी। लेट्स सी क्या है। चलो अभी ऊपर चलते हैं और आपको दिखाती हूँ कि चांद निकला है या नहीं और खुद भी देखती हूँ कि चांद निकला है या नहीं। नो ट्रेस ऑफ मून। मम्मी पापा वेट करते हुए टिया भी हमारे साथ वेट करती हुई।
तुम्हें क्या लगता है डीटी क्या है? लव इन पापा की और मेरी फोटो तो खींच पकड़ क्या हो सकता है? हाँ, करते हैं शायद। मम्मी पकड़ना ये गिराई। मैकबुक लैपटॉप। अरे फाइनली फास्ट खत्म हो गया और मैं खाना खा रही हूँ। मैं अब सही में आज पेट में चूहे हाथी सब दौड़ चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ रिचुअल होता है कि मम्मी ने 7 पूड़ियाँ पैक करके रखी थी मेरे लिए, तो कुछ भी और खाने से पहले मुझे 7 पूड़ियाँ ख़त्म करना ज़रूरी है। तो मैं वो ख़त्म कर रही हूँ विद दिस। इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, प्लस मुझे इतना अच्छा गिफ्ट भी मिला, मैं बहुत टाइम से चाह रही थी। ओके, अभी हम जा रहे हैं बाहर अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में कुछ खाने पीने, और अभी तक मैंने चेंज भी नहीं किया है क्योंकि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ मुझे आज इस इंडियन साउथ इंडियन स्टाइल, मतलब जो भी हेयर स्टाइल बनाया बहुत अच्छा लग रहा है मुझे खुद पे। बहुत भूख लग रही है भाई, बहुत भूख लग रही है। घर में मैंने वो पूरियाँ ही खाई थी 7 जो मैंने आपको दिखाई, फिर उसके बाद मेरा मन था कि चलो अब पूरा दिन फास्ट रखा है, कुछ मस्त खाया जाए बाहर जाके। प्यास लग गई थी इतनी देर में, अभी अक्षत शॉप से पानी लेने गए हैं, आते हैं तो जाते हैं। बहुत लाउड है, हर्टिंग माय इयर्स। मैं थोड़ी देर ऊपर आ गई, बड़ी ऊपर देखो कितना प्यारा डेकोरेशन है। आई लाइक माय गजरे वाला लुक यार। गिफ्ट जो अक्षत ने मुझे दिया करवा चौथ का। एक्चुअली मैं उनको ना काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि हमारे पास एक अच्छा लैपटॉप होना चाहिए जिस पे हम अपना सारा काम आराम से कर सकें, यू नो, स्क्रिप्ट राइटिंग एंड एवरीथिंग। सो सी, उन्होंने मुझे कितना प्रिटी सरप्राइज दिया है, मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि अभी दे देंगे। मुझे वो बोल रहे थे मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने कुछ नहीं लिया, एंड ऑल ऑफ अ सडन आई गॉट दिस। थैंक यू बेबी। ओके, सो अभी हम घर आ चुके हैं और अब मैं फाइनली फ्रेश होने जा रही हूँ, थोड़ा चेंज वगैरह करूँगी। बट आज मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी, शादी से पहले भी मैं ऐसे ही शौकिया तौर पे ना मम्मी के साथ, मम्मी का साथ देने के लिए कि बोलती थी चलो मैं भी आपके साथ फास्ट रखूँगी, सुबह उठ के सरगी खाऊँगी, पर वो हो नहीं पाता था। मैं सुबह उठती थी, कुछ खाती थी, मेरा मन नहीं करता था खाने का, खाया नहीं जाता था, और आधा दिन होता नहीं था कि मैं सब कुछ खा लेती थी, चिप्स कुरकुरे जो मुझे मिल जाता था। बट अब देखो पूरा दिन भूखी रह ली, पूरा दिन प्यासी रह ली, पर कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि आई थिंक दिस इज़ लव। जब आप किसी से इतना प्यार करते हो, जब सामने वाला इंसान आपसे इतना प्यार करता है, तो फीलिंग
जो प्यार की जो फीलिंग होती है ना वो हर चीज़ को पूरा कर देती है, आपकी हर कमी को पूरा कर देती है. तो आई थिंक अक्षत मेरे लिए वो हैं और मैं उनके लिए वो हूँ. ओके एनीवेज गाइज, सी यू सून इन माई नेक्स्ट व्लॉग. अभी आई एम सो टायर्ड, आई एम गोइंग टू चेंज एंड देन आई एम गोना स्लीप. कल का दिन अब बहुत बिजी होने वाला है क्योंकि काम पे जाना है. तो चलो मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर एंड लॉट्स ऑफ लव. दिस इज़ माई मेहंदी, बाय.